2016 में तमिल एक फिल्म आई थी दोस्तों, जिसका नाम था तेरी, और इस फिल्म को लेकर आए थे एटली कुमार। अब फिर से इस फिल्म की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। और ये तो मतलब बॉलीवुड की अब संस्कृति बन चुकी है कि साउथ की फिल्म्स का या हॉलीवुड फिल्म्स का जो है रीमेक बनाना, गानों का रीमेक बनाना और उससे अपनी जेबें भरना। दोस्तों ये चलन कहीं ना कहीं इस पर बहुत बहुत सारे विचार विमर्श किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं बेकार है, ओरिजिनलिटी रखो। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, बॉलीवुड प्रोग्रेस कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2016 की इस फिल्म में विजय ने बहुत जानदार और शानदार काम किया था। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बने थे, अगर आपको याद होगी वो फिल्म तो। सो ऐसे में दोस्तों एटली कुमार की यही फिल्म का अब रीमेक बनने जा रहा है, जिसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन जो नाम का आ रहा है वो आ रहा है अपने स्ट्रीट डांसर 3D बॉय का, यानी कि वरुण धवन साहब का। वरुण धवन साहब वो हैं जिन्होंने 2012 में दोस्तों डेब्यू किया था इश्क वाला लव, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1 से। और उसके बाद दोस्तों 8 लगभग बैक टू बैक उन्होंने हिट फिल्म्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हिट का ठप्पा था उनके ऊपर इस चीज को मिटाया उनकी फिल्म अक्टूबर ने, जो कि सेमी एवरेज थी। फिर उसके बाद दोस्तों सुई धागा, जो कि एवरेज गई। नाउ फिर उसके बाद कलंक आई, जो कि डिजास्ट्रस थी। फिर उसके बाद स्ट्रीट डांसर 3D, जो ओके थी। सो वरुण धवन साहब को दोस्तों अब एक ऐसी फिल्म चाहिए जिसको लेकर वो कमबैक करें धुआंधार तरीके से, और मतलब जो एक उनकी जो अपील है, जिस तरीके से यंग ऑडियंस के बीच में जो क्रेज है उनका, वो शामिल हो जाए। सो ऐसे में दोस्तों अब वरुण धवन साहब की एक तो फिल्म आ रही है श्रीराम राघवन के साथ, जो हम सबको पता है, प्लस उनके पापा यानी कि पापा धवन जी जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, कुली नंबर 1, राइट। सो ऐसे में अब वरुण धवन दोस्तों अगर ये फिल्म करते हैं, इसका हिंदी वर्जन करते हैं, तो डेफिनेटली वरुण धवन साहब फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे। खैर जो भी है, आप लोगों का क्या रिएक्शन है मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाएं बताएं, और बने रहिए चैनल के साथ, चलता हूँ मैं।